इसराइल और हमास की जंग में पूरा मिडिल ईस्ट आग की तरह जल रहा है और इसकी तपिश दूसरे देशों को भी जला रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लाल सागर में यमन का हूती लगातार इसराइल और अन्य पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोही इसराइल समर्थित देश के व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमलावर है। हूतियों ने लाल सागर में ऐसा बवंडर मचाया है जिससे इंटरनेशनल शिपिंग रूट काफी प्रभावित हुआ है। हूती लगातार मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर रॉकेट, मिसाइल और घातक ड्रोन से हमले कर रहा है। हूती हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे ही लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में इसराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहा है और इसी कड़ी में हूतियों ने लाल सागर में और अदन की खाड़ी में दो जहाजों को अपना निशाना बनाया। इस बात की पुष्टि खुद यमन आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता जनरल यहया सारी ने की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोध सेनानियों के साथ हो रहे अन्याय और यमन के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश आक्रमण के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों ने लाल सागर और एडन की खाड़ी में दो सैन्य अभियान चलाया है। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق بفضل الله. सो यूनियन के मालिक ग्रीक कंपनी डेल्टा टैंकर्स ने पुष्टि की कि घटना के बाद जहाज बह गया था। वहीं दूसरे ऑपरेशन के लिए यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने कहा कि एसडब्ल्यू नॉर्थविंड जहाज को निशाना बनाया जो कि इजरायली कब्जे से जुड़ी एक कंपनी का था। जहाज को अदन की खाड़ी और लाल सागर में सटीक निशाना बनाया गया था। تابعة كذلك لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت بشكل مباشر ودقيق وذلك أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر. ये दोनों ऑपरेशन यमनी नौसेना बलों, वायुसेना और मिसाइल बल द्वारा सैन्य नौकाओं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल करके किए गए थे। इसके साथ ही सारी ने नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि यमन आर्म्ड फोर्स इस बात पर जोर देता है कि जब तक इजरायली आक्रमण समाप्त नहीं हो जाता और गाजा पट्टी पर लगाई गई घेराबंदी नहीं हटा ली जाती, तब तक उनका अभियान जारी रहेगा। لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة.